है कि मामला दहू तो मेरे तरफ से तो कोई मामला है नहीं। पिछले 2 महीने से कई बार कॉल आ गया और इसकी मैंने मौखिक रूप से जो है चौकी को जानकारी भी दिया मैंने, जो एस आई जाए उनको पहले भी, और अभी फिर उन्होंने कहा कि दादा ऐसे आते रहते हो, आप फ़ोन डिलीट कर दो, उनका नंबर जो है नंबर डिलीट कर दो। अपना नंबर है ही नहीं, फिर मैंने इसे डिलीट कर दिया। अभी 19 तारीख को मेरे पास, 19 जून को फ़ोन आता है, और फ़ोन आने पे कहता है कि मैं दिल्ली क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ। तो हमने कहा कि बताइए क्या बात है। कह रहे तुमने बैंक में घोटाला किया, फ्रॉड किया है, और तुम्हारे नाम ये है वो है। तो हमने कहा बैंक का, मेरा पहली बात तो दिल्ली में कोई लेन देन नहीं है, और अगर कोई लेन देन है भी तो बैंक से नोटिस भिजवा दो, नोटिस आ जाएगी, या कोई बात होगी तो मैं देख लूँगा क्या है या नहीं है उस मामले में। आप इस बारे में आपका क्या है, आप जो है दिल्ली क्राइम ब्रांच से आपका क्या मतलब है? तो कह रहे तू बहुत बोलता है बहुत, तो इस तरीके से बदतमीजी से बात करने लग गया। तो मैंने फिर जो है वो फ़ोन जो है उनका काट दिया। अभी कल को 11:08, 9 मिनट, 10 मिनट पर 3 बार कॉल आता है, तो मैंने रिसीव हो नहीं पाया, मैं बाइक पे था। फिर उनका 11:22 पे फ़ोन आता है, फिर 23 पे फ़ोन आता है। 23 में जब फ़ोन आया तो मैंने उसको रिसीव किया। कह रहा मैं दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ, और तुम्हारे नाम पे वकील के माध्यम से यहाँ मामला चल रहा है, और जो है आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो, तुम फ़ोन नहीं उठा रहे हो, और जो है यहाँ पेश नहीं हो रहा, क्या बात है? तो मैंने कहा यार कोई मामला ही नहीं है मेरे संज्ञान में, इस तरीके का मेरा कोई मामला है ही नहीं। तो फिर वो बदतमीजी से बोलने लग गया, धमकियाँ देने लगा, तेरे घर में पुलिस भेजता हूँ, तेरे को उठवाता हूँ वहाँ से, जो है लोग भेजता हूँ। मैंने कहा तुम्हारी शिकायत कर दूंगा मैं उस पर जो है क्राइम ब्रांच में, या अपने यहाँ उधम सिंह नगर में, या अपने थाने में। कह तू बात करा मेरे को थाने वाले से। तो इस तरीके से बदतमीजी से बात कर रहा है। तो मुझे देखो जहाँ तक लगता है कोई ना कोई साजिश मेरे खिलाफ रचने की कोशिश कर रहा है या रच रहा होगा, और इसमें किसी ना किसी बड़े आदमी का कहीं ना कहीं हाथ है, कोई इसको करवा रहा है।